सो व्हाट्स अप मेरी चिल्ले पार्टी, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और गेम प्ले वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं ड्राइव जोन ऑनलाइन। और गाइस, इस गेम का आया एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अपडेट, तो आज हम अपडेट को खेलने जा रहे हैं। भैया ठोक क्यों रहे हो, आराम से चलाओ ना। तो हाँ, इस गेम का आया बहुत ही खतरनाक अपडेट, जिसको आज हम चेक करने जा रहे हैं कि अपडेट में क्या कह रहा है। आप लोगों को सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। लेकिन सबसे पहले इस रेस को कंप्लीट करते, तुम्हारा भाई खेलने जा रहा है अपनी क्यूनिसेक से। और भाई, आप लोगों को ग्राफिक्स में थोड़ा बहुत तो बदलाव फील हो रहा होगा, पता नहीं मुझे ही फील हो रहा है या फिर आप लोगों को फील हो रहा है। भाई धूप बहुत ही खतरनाक, चटक की धूप लग रही है एकदम, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे लैग भी क्यों हो रहा है भाई, ग्राफिक्स में कुछ तो छेड़ा है इन लोगों ने, मजाक से। ग्राफिक्स थोड़े से अलग अलग लग रहे हैं और धूप कुछ ज़्यादा ही चमकीली सी, चटकी सी धूप लग रही है, पता नहीं क्यों ऐसी धूप क्यों कर दी है। क्योंकि रियल लाइफ में भी भाई आजकल धूप में निकला नहीं जाता है, धूप से तो बहुत ही ज़्यादा धूपों में निकल थूक दी। वेट हो गए भाई, रियल लाइफ में भी धूप में निकला नहीं जा रहा है आजकल, जो हालत हो रही है ना गर्मी में, तो क्या ही बताओ। मतलब बाहर का तो दृश्य देख के ही, अभी भी मैं देख रहा हूँ अपनी खिड़की से बाहर और देख के ही एकदम हालत ख़राब हो जा रही है। और फ़ोन भी एकदम, भाई कितनी प्यारी ड्रिफ्ट मारी मैंने, बच गया भाई। लेकिन हाँ, फोन भी एकदम गर्म हो रहा है गेम खेलते खेलते, शुरुआत भी गर्म हो चुका है, पता नहीं कितना लैग करेगा आगे जाके। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जल्दी से इस रेस को कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं धूप वगैरह से। अभी तो शायद ये सेकंड लैप है, इसमें शायद हमको 3 लैप करने, यार 3 लैप की रेस बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन कोई नहीं, ये तुम्हारे भाई का फेवरेट ट्रैक है यार, बहुत दिनों के बाद मैं इसको खेलने जा रहा हूँ, इसे बहुत दिन हो गए मुझे इसे खेले हुए। लेकिन ये ट्रैक तुम्हारे भाई को पसंद है, मतलब बहुत शुरुआत में ही मुझे पसंद आ गया था ये वाला ट्रैक। लेकिन कोई नहीं, आज एक नया ट्रैक भी इस गेम में ऐड हुआ है अपडेट के साथ, वो भी हम चेक करेंगे। और यहाँ पे प्यारी सी एक और ड्रिफ्ट, भाई कितनी प्यारी ड्रिफ्ट मारता है तुम्हारा भाई। ड्रिफ्ट के लिए तो लाइक ठोक देना वीडियो पे, लाइक ठोक देना वीडियो पे। और भाई, मैंने पटकी देखा तो मुझे पता चला कि नई गाड़ी भी ऐड हुई है, और तो एक नहीं सिर्फ दो दो गाड़ियाँ नई ऐड हुई है, तो भाई बहुत ही मजा आने वाला है। अभी देखते हैं जल्दी से चल के, वेट अ मिनट। अबे यार कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई इसको उल्टा चला के ही जीत जाएगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अभी तो गाड़ी बहुत पीछे, और यहाँ पे तुम्हारा भाई इस रेस को जीत चुका है जैसा कि आप लोगों ने देखा। लेकिन आ जाओ जल्दी से गैराज में, और आप लोगों को दिखाता हूँ कौन से चीजें नए अपडेट में ऐड हुई है, तो आ जाओ। ओके, सो गाइस, हम गैराज में वापस आ चुके हैं। और गेम के अपडेट के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो गेम के अपडेट में चेंज हुआ है वो है गेम का लोगो। पहले गेम का लोगो अलग था और अब गेम का लोगो अलग हो चुका है। और भाई, दूसरी चीज आप लोगों को स्क्रीन पर ही दिख रही होगी, बिल्कुल कोने में नीचे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो भैया, अब आप लोग आराम से इसमें डीजीओ कॉइंस को भी कमा सकते हो, मतलब गोल्ड कॉइंस, इनको भी आप लोग इजीली कमा सकते हो, बस आप लोगों को एड्स देखने पड़ेंगे। और यहाँ पे आप बहुत लोग मेरे से पूछते थे कि भाई आप कैसे कमाते हो, मैं तो खैर खरीदता था, लेकिन अब आप लोग भी इजीली डीजीओ कॉइंस को यहाँ से एड देख के ले सकते हो। मतलब यार ये बहुत ही सही है, अब बहुत सारे लोग नई नई गाड़ियों को परचेस कर पाएंगे डीजीओ कॉइंस अब हमें फ्री में मिलने लगेंगे। तो वरना ऐसा होता था कि जिनके पास पैसे हैं सिर्फ वही जीत पाते थे रेस को, तो फेयर खेलना मतलब बहुत ही कम फेयर लगता था। लेकिन अब बहुत ही नए नए प्लेयर्स आएंगे जो खतरनाक गाड़ियों को लेके आएंगे, तो मज़ा आएगा और कंपटीशन बढ़ जाएगा। और कंपटीशन से मुझे याद आया कि इसमें प्ले में जाते हैं सबसे पहले हम, और प्ले में जाके करियर में जाके यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तुम्हारे भाई ने वैसे चारों की चारों लीग कंप्लीट कर रखी है, ड्राइविंग स्कूल, रूकी कप, एमेच्योर लीग और प्रो कप लीग। लेकिन यहाँ पे दो नई लीग और आ चुकी है, सुपर कार लीग और ये क्या है, नर क्या कहते हैं इसको, नर ट्रैक लाइसेंस। तो हाँ, ये दो नई लीग आ चुकी है, इनको भी अब तुम्हारा भाई कंप्लीट करेगा धीरे धीरे करके। वेट अ मिनट, देखता हूँ इसमें सबसे पहले क्या क्या रिवार्ड्स हैं। यार रिवार्ड्स में यही मिलता था क्या, उनमें क्या मुझे रिवार्ड्स में उनमें क्या मिला था, मैं तो भूल ही गया यार। उनमें एक हमको कार मिली थी रिवार्ड्स में, लेकिन इसमें तो बस जैकेट मिल रही है यार, ये तो फेयर नहीं हुआ, इसमें भी कार मिलनी चाहिए थी वैसे। लेकिन कोई बात नहीं, अब इन लोगों ने डाल दिया तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दूसरी चीज़ यही ऐड हुई थी, दो नई लीग और आ चुकी है गेम में। और यहाँ पे एक और बहुत ही खतरनाक अपडेट में जो चीज़ मुझे लगी है, रुको आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ भाई, वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। सबसे पहले मैं बनाता हूँ कस्टम गेम, कस्टम गेम में क्रिएट करने के बाद ओपन वर्ल्ड में एक नया ऐड भी यहाँ पे आ चुका है, इसको कहते हैं नर जो भी बोलते हैं इसको, मेरे को नहीं पता प्रोनंसिएशन। लेकिन यहाँ पे जल्दी से इसमें एंटर होते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, ये मैं अपना बहुत खतरनाक है भाई, मेरे को सबसे फेवरेट चीज़ है इस अपडेट की मेरी ये मैप भाई, मज़ा आ गया इस मैप को देख के तो। और यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन भी बदल चुकी है, इसमें ये नई वाली गाड़ी आ चुकी है, इसको कहते हैं BMW M1, और ये यहाँ पे नई ऐड हुई है इस गेम में, वो भी अभी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, लोडिंग स्क्रीन पे आप लोगों को दिखी गई है। ओके, सो गाइस, हम आ चुके हैं इस नए वाले मैप को, और भाई साहब आप लोग जैसा कि सामने देख ही सकते हो कितना खतरनाक ये मैप देखने के लिए लग रहा है। और आप लोगों को दिखा भी देता हूँ बड़ा करके, भाई कितना बड़ा मैप है भाई, कुछ ज़्यादा ही बड़ा मैप है, इसमें रेस होंगे तो भाई बहुत टाइम लगने वाला है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा मैप है ये। रुको अभी आप लोगों को चला कर भी दिखा देता हूँ उस वाले मैप पे, भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मैप है ये,
भाई मैं अपनी बुगाटी लेके आ चुका हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी हम इसको कवर अप कर पाए, वरना बहुत ही ज़्यादा लंबा मैप है। मैं तो सोच रहा हूँ इसको कवर अप करूँ भी ना, और इस मैप में थोड़ा ज़्यादा सा लैग हो रहा है, और लैग का सिर्फ ये मैप ही रीज़न नहीं है, मेरा थोड़ा सा फ़ोन भी हीट हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत खतरनाक पड़ रही है, क्या ही बोलूँ मैं गर्मी के बारे में। लेकिन यहाँ पे आप लोग मैप देख सकते हो भाई, बहुत ही मज़ा आएगा इससे रेसेस वगैरह करने में इस मैप में। और आप लोगों ने लीग भी देखी होगी, वो जो थी ना लास्ट में नर नोट जो भी थी, वो वाली लीग इस मैप में होगी, तो हाँ मज़ा आएगा उसको भी खेलने में। लेकिन भाई साहब जैसा कि आप लोग मैप देख सकते हो भाई, बहुत ही ख़तरनाक, और इस पर तुम्हारे भाई की बुगाटी तो बहुत ही ज़्यादा ही ओपी लग रही है, बिल्कुल ही रुको मुड़ नहीं रही है यहाँ पे। ओके भाई मैप तो ख़तरनाक है, लेकिन थोड़ा सा लैग ज़्यादा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या ही ख़तरनाक लग रही है, इस पर गाड़ी रौंदाने में मज़ा ही आ जाएगा। वेट अ मिनट, गाड़ी रुकी हुई, हाँ गाड़ी इसमें चलाने में बहुत ही मज़ा ही आ जाएगा, और रेसेस वगैरह करने में भी मज़ा आएगा। प्रॉपर ट्रैक है भाई ये, वैसे प्रॉपर ट्रैक है जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे खड़े कर देता हूँ क्योंकि अभी धीरे धीरे करके हम जब रेस करेंगे इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो खैर मैं भाई कितना धुआं हो गया, अभी तो पूरा का पूरा हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, अभी तो मैंने खुद ही एक्सप्लोर नहीं किया है, मेरे को खुद ही नहीं पता है इस मैप के बारे में ज़्यादा कुछ। लेकिन हाँ आने वाले गेम की रेसेस में हम इसको पूरे को एक्सप्लोर करेंगे, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन आप लोग अभी इसको देख सकते हो जैसा कि बहुत ही ख़तरनाक मैप है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैप है, इसमें बहुत कुछ करने को। अभी भाई अभी देखो मैं यहाँ से यहीं तक पहुँचा हूँ, इतनी ज़्यादा मैंने बातें कर ली, लेकिन हाँ आप लोग समझ सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मैप है, और मुझे शायद इस तरफ जाना चाहिए वापस। वेट अ मिनट, इस तरफ नहीं, रुको, इधर जाना है क्या? अबे नहीं यार छोड़ो, मैं एग्ज़िट करता हूँ सबसे पहले एग्ज़िट करते हैं। ओके सो गाइस मैं एग्ज़िट हो चुका हूँ, यहाँ पे दोबारा से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक और जो नई चीज़ इसमें ऐड हुई है, ऐड क्या हुई है, बदल दी है दोबारा से। आप लोग जैसा कि सामने देख ही सकते हो इस वाले मैप को, जल्दी से मैं आपको एंटर भी करके दिखा देता हूँ। ओके सो मैं मैप के अंदर तो आ चुका हूँ, और आप लोग जैसा कि देख सकते हो भाई ये वाला भी दोबारा से बदल दिया है। आप लोगों को पता होगा विंटर में इसमें विंटर वाली थीम आ गई थी, लेकिन अब दोबारा से समर आ चुके हैं, तो पूरा का पूरा सारा बंजर रेगिस्तान सा इसको बना दिया है, बिल्कुल सारा डेजर्ट खतरनाक। और यहाँ पे मतलब पहले भी शायद ये ऐसा ही था, मैं भूल चुका हूँ थोड़ा थोड़ा, जब ये जो स्नो वाला मैप आया था तो उससे पहले ये ऐसा ही था, तो मुझे लग रहा है ये पहले ऐसा ही था, फिर स्नो वाला मैप डाल दिया और फिर दोबारा से सेम टू सेम पहले जैसा कर दिया है इसको। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, इतना मुझे अच्छे से याद है नहीं। और यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल वगैरह सब कुछ की लीग आप लोग देख ही सकते हो, मतलब अच्छा लग रहा है ये, लेकिन इतने बंजर रेगिस्तान में ये हरे भरे पेड़ कैसे आ गए मुझे ये समझा दो बस, ये हरे हरे पेड़ इतने बंजर रेगिस्तान में कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, एक और नई चीज़ ये ऐड हुई है इस वाले अपडेट में बहुत ही खतरनाक। लेकिन अब बारी आ चुकी है बहुत ही खतरनाक वाले अपडेट की, जो कि है नई दो गाड़ियाँ इसमें ऐड हुई है, जिसमें से एक गाड़ी तो आप लोग फ्री में भी निकाल सकते हो, अभी थोड़ा सा टाइम है उसमें। लेकिन आप लोग को दिखा देता हूँ जल्दी से बाहर आके। ओके सो मैं बाहर तो आ चुका हूँ, और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो रेसिंग स्पिरिट के नाम से यहाँ पे आ चुकी है BMW M1, भाई बहुत ही खतरनाक लग रही है देखने को। और यहाँ पे इसके साथ बहुत सारी स्किन्स भी है इसके स्पिन के साथ, तो ऑब्वियसली आप लोगों ये सब बहुत सारे इकट्ठे करने पड़ेंगे गोल्ड कॉइन्स, तुम्हारे भाई के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे, तुम्हारे भाई ने बहुत सारे पहले ही खरीद लिए थे। और मैं इतने दिनों से आप लोगों से पूछ रहा हूँ भाई, कोई कमेंट में रिप्लाई नहीं देता इस चीज़ का कि मुझे ये वाली गाड़ी निकालनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे निकालनी है और आप लोग कोई कमेंट ही नहीं कर रहे हो पता नहीं क्यों। और इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, अब तो इसको निकालूंगा, अभी तो वीडियो ज़्यादा चलेगी नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारे भाई को इसको निकालने का बहुत ज़्यादा मन है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको निकालूं। अब मुझे बताओ भाई इसको निकालना चाहिए या फिर मेरे को इसको निकालना चाहिए BMW M1 को, इन दोनों गाड़ियों में से मैं किसको निकालूं? मेरे पास खैर लगभग 12,000 DZOs हैं, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में इन दोनों में से मैं किसको निकालूं। तो हाँ पहली गाड़ी तो ये हो चुकी है BMW M1 जो कि नई आई है इस वाले अपडेट में, और आप लोगों को दिखाता हूँ दूसरी जो नई गाड़ी इस अपडेट में आई है, उसके लिए आप लोगों को जाने पड़ेगा टास्क में, और टास्क में जाने के बाद आप लोगों को कैलेंडर में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आप लोगों को सामने ही दिख रही होगी ये वाली नई गाड़ी इसमें ऐड हुई है, और इसका नाम है निसान 370Z। रुको आप लोगों को दिखा देता हूँ, वेट अ मिनट। ओके यहाँ पे ये अब ये क्लिक नहीं होता क्या? ओके सो ये क्लिक नहीं होता है, तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे निसान 370Z आप लोगों को 28 डेज लॉगिन करने पे मिल जाएगी, और पिछली बार जो गाड़ी मिली थी 28 डेज लॉगिन का, भाई ये चीज़ अच्छी है वैसे, ड्राइव जोन ऑनलाइन वालों ने ये अच्छा कर दिया कि एक गाड़ी फ्री मिलती है। और यहाँ पे ये वाली गाड़ी हमको पिछली बार फ्री में मिली थी मर्सिडीज, और इस बार हमको वो निसान मिलेगी फ्री में, तो हाँ ये वाली तुम्हारे भाई ने कलेक्ट कर ली थी। भाई फ्री की गाड़ी तो तुम्हारा भाई छोड़ता ही नहीं है, फ्री की गाड़ी मतलब सारी की सारी गाड़ी चाहिए गेम की, और भाई इन्वेंटरी तो तुम्हारे भाई की है ही कितनी खतरनाक, तुम लोग देख ही सकते हो मतलब बहुत ही खतरनाक, सारी की सारी मस्त मस्त गाड़ियाँ तुम्हारे भाई के पास है यहाँ पे, कोई भी ऐसी गाड़ी, बस इसमें एक मैकलैरन की कमी मुझे दिख रही है भाई, क्या ही बोलूँ मैकलैरन की और कमी है मेरे को, क्या बोलूँ मुझे बहुत पसंद है मैकलैरन, तो हाँ उसकी और कमी है, उसको भी मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना
कौन सी गाड़ी मुझे निकाल, मुझे लगता है कि वो नई गाड़ी है तो शायद मुझे वो निकालनी चाहिए, लेकिन देखते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और गाइस एक और नई चीज़ जो ऐड हुई है मैंने पढ़ी थी कि अब जो हम मैचेस खेलेंगे ना ये वाले रेसिंग वगैरह, ये इसमें रैंक मोड ऐड हो चुका है। तो रैंक मोड से शायद मतलब है, जितना मुझे पता है, जितना मुझे लगता है कि रैंक मोड से शायद मेरे हिसाब से जो जिस रैंक की गाड़ी आप लोग ले जाओगे गेम में, मतलब रेस में, उसी रैंक की गाड़ी आपके सामने आएंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप लोग लेके जा रहे हो कोई हाई रैंक की गाड़ी और आप लोगों के सामने आ रही लो रैंक की, मतलब अपोजिट में लो रैंक गाड़ी आ रही है, तो ऐसे और भी ज़्यादा अनफेयर हो जाता है। एक तो गेम वैसे ही महंगी महंगी गाड़ी खरीदने के बाद अनफेयर हो जाता है, लेकिन हाँ अब आप लोग हाई रैंक वाली गाड़ी ले जाओगे तो आपके अपोनेंट भी हाई रैंक वाली गाड़ियाँ ही होंगी, तो ऐसे चैलेंज और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और रेस करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हाँ ये चीज़ भी होनी चाहिए थी, वरना गेम बहुत ही ज़्यादा अनफेयर था। मतलब पहले तो कुछ ज़्यादा ही अनफेयर था, मतलब पूरा छोटी रैंक वाली गाड़ी आ रही है बड़ी रैंक वाली गाड़ियों के साथ, और उसमें भी हाई रैंक वाली गाड़ी फुल मैक्स्ड है, कैसी जीत जाएंगी यार। तो हाँ मनी, मतलब इस गेम में पैसा डालो तो ही आप लोग जीत सकते हो, ये तो आप लोगों को पता होगा, डार्क रियलिटी है गेम की। और ड्राइव जोन ऑनलाइन वाले बहुत ज़्यादा पैसा खींचते हैं भाई, कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ देते हैं, मैं तो क्या ही बोलूँ। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे एक रैंक मोड भी आ चुका है, अभी आप लोगों को दिखाई दिया है मैंने, तो उससे कम से कम जिस रैंक की आपकी गाड़ी है उसी रैंक की अपोजिट में गाड़ियाँ, मतलब अपोनेंट गाड़ियाँ भी होंगी, तो थोड़ा सा चैलेंज ठीक ठाक सा हो जाएगा। फिर भी यार जिस बंदे की गाड़ी ज़्यादा महंगी होगी और जितनी ज़्यादा लेवल होगी वही जीतेगा ऑब्वियसली, तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन आ जाओ एक और रेस खेल कर देखते हैं, ये जो भी थे अपडेट मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, अब आ जाओ रेस भी करके देखते हैं एक और। ओके सो गाइस यहाँ पे रेस स्टार्ट हो चुकी है और मैं अपनी F20 लेके आया हूँ बहुत दिनों के बाद। मेरे बगल में क्यों आ गया, और भाई गाड़ी कितनी तेज भागी है, तुम्हारे भाई का गेम बहुत स्लो काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलूँ मैं, ग्राफिक्स हाई है। और रुको मुझे इस मोड प्रोडक्शन लेने दो। ओके हाँ, तो ग्राफिक्स बहुत हाई है और भाई गर्मी बहुत है, मेरा फ़ोन एकदम सीक कबाब तवा बन चुका है, आप लोग कुछ भी इस पे पराठे सेक सकते हो। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है भाई, क्यों नहीं सक कुत्ता पीछे छोड़ दिया है मेरे भाई। तुम्हारे भाई की F90 बहुत खतरनाक हो चुकी है, और लैग मत कर प्लीज़ गेम, लैग मत कर, बस इस बार जिता दे मुझे ढंग से वरना गड़बड़ हो जाएगी। पीछे क्यों नहीं सहेगा, क्योंकि मुझे उसको यूनिसेक को बिल्कुल भी आगे नहीं निकलने देना। और भाई तुम्हारा भाई ने कितना ज़्यादा गैप दे दिया, और ये क्या हुआ अभी भाई, दीवार में गाड़ी घुस गई, थोड़े बहुत ग्लिचेस भी आ गए अपडेट के साथ। लेकिन कोई नहीं, रुको मुझे इस मोड पर ढंग से लेने दो, क्योंकि गाड़ी खड़ी रहती है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही प्यारा मोड मैंने यहाँ पे लिया है। लेकिन भाई साहब तुम्हारा भाई ने यूनिसेक कितनी पीछे छोड़ दिया है, तुम लोगों ने देखा है, देख ही लिया होगा। जैसे रुको, ये मोड भी बहुत खतरनाक है, और मैं इतना फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ, मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और रुको सांस लेने दो पहले मुझे आराम से। ओके तो हाँ तुम्हारे भाई ने बहुत, तो यार मैंने बहुत ही ज़्यादा पीछे छोड़ दिया, रुको एक ड्रिफ्ट भी मारूंगा मैं यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। लेकिन और बहुत कितनी प्यारी ड्रिफ्ट मारे, बेकर भी कितनी प्यारी ड्रिफ्ट मारी, लेकिन मैंने यार लाइक टू दो इस ड्रिफ्ट के लिए, एक मैं बहुत ही खतरनाक ड्रिफ्ट मारी थी। लेकिन यहाँ पे सारी की सारी गाड़ियाँ बहुत पीछे रह चुकी हैं, और अभी यार ये मोड इतनी जल्दी क्यों आ जाता है। वेट 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 भाई, ड्रिफ्ट किंग हो चुका है तुम्हारा भाई, अब टेंशन मत लो बिल्कुल, इतनी प्यारी ड्रिफ्ट मारता ना ऐसे ऐसे मोड़ों पर भाई, मज़ा ही आ जाता है। एक बार ड्रिफ्ट अच्छी सी पड़ जाए ना, मतलब रेस करने में अपने आप मजा आ जाता है भाई। शुरुआत वाली रेस में तुम्हारे भाई का थोड़ा बहुत हाथ वैसा था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं खेल रहा था। खैर मैं अब ज़्यादा ध्यान दे नहीं दे पा रहा हूँ गेम पे, लेकिन फिर भी मैंने पिछली वीडियो में पूछा भी था कोई अपडेट आ रहा हो तो बताओ, आप लोगों ने बताया नहीं, पता नहीं क्या हो आप लोग। लेकिन तुम्हारे भाई ने खुद ही देख लिया अपडेट आ गया तो, क्योंकि तुम्हारे भाई ने डिस्कॉर्ड वगैरह फॉलो कर रखा है ड्राइव जोन ऑनलाइन वालों का, और यहाँ पे जीतने वाला हूँ बस, मैं थोड़ा सा ही रह गया है। और यहाँ पे फाइनली इस रेस को भी हम जीत चुके हैं। और गाइस आज की वीडियो को लोग लाइक कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो किसी लगी चलिए तो इस वीडियो को लाइक चैनल करना सब्सक्राइब। आज जो अपडेट आया था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सी गाड़ी तुम्हारे भाई को खरीदनी चाहिए कौन सी नहीं। और तुम्हारे भाई ने कल एक नए गेम पे वीडियो डाली थी जिसका नाम है सुपर मार्केट सिमुलेटर, उसे भी जाके चेकआउट कर लेना, बहुत कम व्यूज है, पता नहीं क्यों पूरी वीडियो नहीं देखते हो आप लोग, सारी वीडियो देखा करो। और उसके साथ अभी मेरे जाने का टाइम हो चुका है, जाते जाते बीएपी कुछ फैलाते रहिए, रात रात गाइस, और गुड बाय।